नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। मैं ओम पांडे, आपका दोस्त, आपका गाइड। आरओ एआरओ परीक्षा में जो सामान हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके बारे में विलोम का डिस्कशन करने के लिए अगले एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पहले एपिसोड के अंतर्गत हमने आपसे चर्चा की थी कि विलोम शब्द बनते कैसे हैं। विलोम शब्द बनते कैसे हैं ये चर्चा क्यों की थी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आप डायरेक्टली पढ़े नहीं रहेंगे और वहां पर आपको अपनी समझ बूझ के साथ उपसर्ग का, प्रत्यय का प्रयोग करके और लिंग के हिसाब से विलोम शब्द का निर्धारण करना पड़ेगा। उस एपिसोड के बाद में अगले एपिसोड में आज हमको चर्चा करनी है विगत वर्षों में पूछे गए कुछ विलोम शब्द। सारे प्रश्न यहां पर डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं है और अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि ये क्लास बहुत दिनों तक चलेगी। कुछ शब्द आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसके डिस्कस करने का उद्देश्य यह है कि आप रूबरू हो जाएं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा कि उनको कैसे किया जाता है, ठीक है ना। आगे फिर आज मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से आप लोग पढ़ें जिससे कि आपके पास बहुत सारा विलोम शब्द हो जाए, आपके दिमाग में रहे, आप एक दो बार उसको प्रैक्टिस कर लें जिससे कि आप आसानी से उन चीजों को कर सकें। आइए देखते हैं, मेरे पास पेपर भी है। देखिए ये सामान्य हिंदी का ये पेपर है, 2014 में ये पूछा गया था आरओ परीक्षा के अंतर्गत और हमारे पास 16 का भी पेपर है। सारे शब्द इसमें मैंने नोट कर दिए हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि विलोम कैसे। इसमें और भी सारे प्रश्न हैं लेकिन क्योंकि हम विलोम का डिस्कशन कर रहे हैं तो विलोम हम इसमें देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक ये दिया है प्रश्न कि जंगम का विलोम क्या होगा और चार विकल्प दिए हैं, अगम होगा, दुर्गम होगा, अस्थावर होगा या चंचल होगा। तो जंगम का अस्थावर होता है। ऐसे ही सृष्टि का पूछा है तो उसमें सृष्टि के विलोम के पूछने के बाद में जो चार ऑप्शन दिए हैं उसको मैं पढ़ रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। पहला दिया है विसृष्टि, दूसरा दिया है प्रलय और सी ऑप्शन तीसरा है व्यष्टि और चौथा है समष्टि, ठीक है ना। तो वृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय। ऐसे ईप्सित का विलोम क्या, ऐसे प्रश्न बहुत सारे हैं, यानी कि 10 प्रश्न हैं, बहुत सारे क्या 60 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं उसमें 10 प्रश्न विलोम के होते हैं। आइए देखते हैं कुछ विलोम शब्द। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि जो भी विलोम शब्द हम पढ़ेंगे, जैसे पोषक का विलोम हम पढ़ रहे हैं शोषक, तो शोषक का विलोम भी पोषक होगा। देखिए यहां पे जो ये तीर लगी हुई है ये दोनों तरफ मैंने बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये पोषक अगर इसका विलोम है शोषक का तो शोषक का विलोम पोषक भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों तरफ से सही होती हैं बातें। तो पोषक का विलोम क्या होता है, शोषक। अब जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पोषक का विलोम क्या है तो आपके पास चार ऑप्शन जो दिए जाएंगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर आरओ की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक दिया रहेगा शोषक, दूसरा दिया रहेगा शोषण, ऐसा भी हो सकता है, तीसरा दिया रहेगा इसकी स्पेलिंग गलत कर सकता है, ये शोषक में ऐसे लिख सकता है, शोषक ऐसे कर देगा। वर्तनी शुद्धि भी, जो वर्तनी शुद्धि हमको आगे एक चैप्टर में पढ़नी है, यहां पर आपको वर्तनी शुद्धि भी ध्यान रखना है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर चीजों को डिस्कस करने का यही मतलब है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ना किताबों की कमी है ना मटेरियल की कमी है, यहां पर आपको सीखना है। ऐसे ही भूगोल का खगोल, जब भूगोल का विलोम पूछता है तो अधिकतर लोग इतिहास मार देते हैं, तो भूगोल का विलोम इतिहास नहीं होता है, उस विकल्प में रहेगा इतिहास, उसमें रहेगा ऐसे ही भूगोल का कोई दूसरा और शब्द दे देगा। ये प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूं, ये वन मिनट, इसके विकल्प में सीधा वही पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। तो भूगोल का विलोम, चलिए अगर अभी नहीं मिलेगा तो आगे मैं आपको बता दूंगा। कुल मिलाकर इसमें विकल्प देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें आंसर मतलब विकल्प में कई चीजें दी रहेंगी और वहां पर आपको मारना क्या है, टिक क्या करना है, खगोल, तो भूगोल का खगोल होता है। ऐसे ही जोड़ का, जब ये प्रश्न पूछा था मैंने प्रश्न देखा मुझे याद है, तो इसमें दे देगा जोड़ का गुणा, जोड़ का ऐसे दे देगा भाग, मतलब ऐसे नहीं बना रहेगा, तो मैं 60 में लिख दे रहा हूं भाग, और एक रहेगा घटाओ, है ना। ऐसे ही घटाना एक हो सकता है, तो जोड़ का घटाना नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, जोड़ का क्या होगा, घटाव होगा। ऐसे ही अनिवार्य शब्द का विलोम ऐच्छिक होगा और ठीक ऐसे ही ऐच्छिक का विलोम अनिवार्य होगा। मैंने आपको बताया ना ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, अनिवार्य का अगर ऐच्छिक होगा तो ऐच्छिक का अनिवार्य भी होगा, तो अनिवार्य का ऐच्छिक
और ऐच्छिक का अनिवार्य। स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है, अगर ऐच्छिक ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दिया एच और ये छीक कर दिया, या इस छा की जगह क्षत्रिय वाला छा बना दिया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ना ये सही होगा ना ये सही होगा, ये सही होगा। कठिन प्रश्न जब बनाए जाते हैं तो आपको बहुत कुछ अपने दिमाग से करना होता है, रटे रटाए प्रश्नों पर डिपेंड ना होके अपनी बुद्धि का प्रयोग आपको करना होता है। यथार्थ का विलोम कृत्रिम है ना, कृत्रिम मतलब बनावटी बनाया हुआ, और यथार्थ का मतलब जो रियल में है, जो सत्य में है। जब विलोम शब्द आप कर रहे हो, रटा रटाया आपका है, तब तो तुरंत आप आंसर दे देंगे, अगर नहीं निकल रहा है तो ऐसे सोचा जाता है। इसका अर्थ आप निकालिए, यथार्थ का मतलब क्या होता है, और फिर उसमें चार विकल्प में आप देखिए कि कौन सा शब्द इसके मतलब के विपरीत जा रहा है, तो कृत्रिम आपको मिल जाएगा। जैसे जोड़ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक है, एक में फिर दिया है दो, आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ का मतलब किसी चीज को मिला देना, उसमें उसका योग कर देना, ऐड कर देना। ऐसे ही घटाव का मतलब होता है कि उसमें से निकाल देना। तो सटीक यानी कि जब शब्द का अर्थ आप समझ जाएंगे तो विलोम सही होने की संभावना 100% हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं ध्वंस का। ध्वंस मतलब नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, निर्माण यानी कि बनाना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निर्माण। अब ध्वंस का हो सकता है विध्वंस दे दे, लोग सोचेंगे अरे ये वी लगा है तो विलोम हो जाएगा, ऐसा नहीं, तो ध्वंस का निर्माण होगा। निर्माण में भी ऐसा दे सकता है विकल्प, निर्मित दे सकता है ना, निर्मेय दे सकता है, तो ऐसा नहीं, आपको यही टिक करना है। जैसे मैं बीच बीच में प्रश्न भी आपसे पढ़कर बता देना चाहता हूं, आपको डिस्कस कर लूं आपसे। जैसे इसमें पूछा आज्ञा का विलोम क्या होगा, आज्ञा मैंने यहां पर नोट भी किया है, कहीं नोट होगा मुझे जहां तक याद आ रहा है, अगर नहीं नोट है तब भी कोई बात नहीं है। आज्ञा का विलोम विज्ञ होता है, और इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है ऑप्शन, अब इसको मैं मिटा सकता हूं शायद, इधर जितना हो चुका है इसको मैं मिटाने दे रहा हूं, आप नोट कर चुके होंगे, नोट किया करिए चीजों को। नोट करने से क्या होता है, आपकी आंखों के साथ आपके हाथ में वो चीजें आ जाती हैं, तो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। क्योंकि सीखने के माध्यम क्या है, एक तो आप सुन के सीखते हैं, देख के सीखते हैं, और लिख के सीखते हैं, तो यहां पर जब आप तीनों काम साथ में कर रहे हैं तो उसको आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि जल्दी तैयार हो जाए। अब जैसे ये आज्ञा का विलोम पूछा है इसने, कि आज्ञा का विलोम क्या होगा, आज्ञा का आज्ञा शब्द इसने दिया है, बार बार मैं ऊ बना दे रहा हूं, वन सेकेंड, इसने पूछा है आज्ञा का विलोम क्या होगा, आज्ञा शब्द दिया है, इसका विलोम पूछ रहा है, और इसने ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है विज्ञ, दूसरा ऑप्शन इसने दिया है यज्ञ, और तीसरा ऑप्शन इसने दिया है सर्वज्ञ, और चौथा ऑप्शन दिया है अनज्ञ। ये आप एबीसीडी काका काका जो भी कर लीजिए, इसमें से एक ही सही है, एक आंसर आपको चुनना है। अब जब आज्ञ का आप करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि आज्ञ यानी कि कुछ नहीं तो सर्वज्ञ, ऐसा भी, ये सब गलत है। आज्ञ का अनज्ञ भी नहीं होगा, आज्ञ का सही होगा विज्ञ। यहां पर डिस्कस करने का मतलब है कि आपको कितनी सावधानी से प्रश्नों को करना है, ठीक है ना। आज्ञ का मतलब विज्ञ, अर्थ निकालिए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अगला प्रश्न अभी हम लेंगे इसमें से। यहां देखते हैं तृष्णा का विलोम क्या होगा, तो तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा होगा। ऐसे अध्यवसाय का विलोम क्या होगा, अब इसमें आप अध्यवसाय में अन लगा दीजिए तो अनध्यवसाय हो जाएगा, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अन लगाएंगे इसमें है ना, जो इसमें उपसर्ग लगाएंगे वो अन लगाएंगे तो अनध्यवसाय हो जाएगा। ऐसे व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि है ना, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, माइक्रो, माइक्रो जो होता है इंग्लिश में क्या होता है, माइक्रो और माइक्रो है ना, ये होता है व्यष्टि और ये समष्टि, ठीक है, तो समष्टि व्यष्टि ये माइक्रो, माइक्रो से भी आप याद कर सकते हैं, इंग्लिश वहां दी नहीं रहेगी, मैं आपको केवल समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं। आगे हम बात करें सुलभ का क्या होगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, यहां पे सु हटा के दूसरा आप उपसर्ग लगा देंगे दुर्लभ, तो दुर लगाएंगे तो दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ यानी कि जो सब जगह उपलब्ध हो, और दुर्लभ जो जल्दी ना मिले,
है ना, जो दुर्लभ है। जैसे हमारे ईंधन जो है वो दुर्लभ होते जा रहे हैं, कौन से ईंधन, पेट्रोलियम की बात हो रही है, गैसेस की बात हो रही है, तो इसकी हमको बचत करनी चाहिए। कुछ दिन बाद पानी की बात ऐसे होगी, हो ही रही है, साफ सुथरा पानी हमको कहाँ मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं बर्बर की, बर्बर का विलोम क्या होगा, शब्द। अब बर्बर का जो विलोम आपसे पूछा जाएगा तो आपको कई विकल्प ऐसे दिए जाएंगे, हो सकता है एक बना दे सबर, है ना, एक बना दे सुबर, एक बना दे असभ्य और एक दे दे सभ्य। तो आपको बर्बर का सभ्य टिक करना है, क्योंकि बर्बर का अर्थ आपको अगर पता है तो सभ्य आप जान जाएंगे कि इसका विलोम सभ्य होगा, ठीक है ना। ऐसे ही सभ्य का अगर पूछ ले तो बर्बर होगा। कुल मिला के इधर से इधर अगर सही है तो इधर से इधर भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा, मंद। तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा विलोम, और मंद का तीक्ष्ण हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला विलोम जो दिया हुआ है वो है सहयोगी। यहां पर देखिए सहयोगी, सहयोगी का जब विलोम करने में एक दिक्कत ये आती है कि सहयोगी का बहुत लोग विलोम विरोधी बताने लगते हैं। जैसे कोई आपका सहयोग कर रहा है, अगर सहयोगी का विलोम देखा जाए, सहयोगी का विलोम जब पूछा जाएगा तो इसमें एक दिया रहेगा, मान लीजिए विरोधी, विरोधी मेरे ख्याल से ब्लैक मार्कर से ही लिखें ज्यादा सही रहेगा, ये हल्का चल रहा है। एक दे दिया विरोधी, दूसरा दिया है यहां पर वियोगी, है ना, तीसरा विकल्प दिया है प्रतियोगी, और चौथा विकल्प दिया है योगी। अब यहां पर जब सहयोगी का अधिकतर लोग करेंगे कि विलोम क्या होगा, तो लोग सोचेंगे कि कोई सहयोग कर रहा है, दूसरा कोई विरोध कर रहा है, तो इसका विलोम विरोधी मार दिया जाए। तो अगर आप विरोधी टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर वियोगी करेंगे तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, योगी भी नहीं होगा। अब इसमें दो में कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है, विरोधी और प्रतियोगी, तो विरोधी नहीं होगा तो प्रतियोगी इसका विलोम होता ही हो जाएगा। अब यहां पर आपको आंसर निकालने का मैं तरीका भी बता रहा हूं कि पहले जो बिल्कुल दूर दूर तक जिससे रिश्ता नहीं है आंसर का, उन चीजों को पहले आप एलिमिनेट करके हटा दीजिए। जैसे वियोगी आप हटा सकते हैं, योगी हटा सकते हैं, जब दो ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए आपको विरोधी और प्रतियोगी में कंफ्यूजन हो रहा है तब के लिए मैं बात बता रहा हूं, तो विरोधी और प्रतियोगी को आप रखिए, फिर आप देखेंगे तो सहयोग के बजाय प्रतियोगिता। जैसे मान लीजिए आप प्रतियोगिता कंपटीशन दे रहे हैं आरओ का, आरओ में लाखों फॉर्म पड़ेंगे, फिर कुछ हजार मेंस देंगे और फिर कुछ 100 लोग सेलेक्ट होंगे। अब इसमें सब एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, प्रतियोगिता हो रही है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहेंगे हमारा स्कोर ज्यादा हो जाए, कोई चाहेगा हमारा स्कोर ज्यादा आ जाए, हर व्यक्ति चाहेगा स्कोर ज्यादा आ जाए हमारा, और तभी वो सेलेक्ट भी होगा, जो ऊपर से मेरिट में आएगा वो सेलेक्ट होगा। तो यहां पर ये सहयोगी का क्या हो जाएगा, प्रतियोगी। बस ये समझाने के लिए था कि आंसर कैसे निकालते हैं। आगे हम फटाफट और देख लेते हैं, सहयोगी का प्रतियोगी हो गया। उसके बाद में आविर्भाव एक शब्द पूछा जाता है, तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव, यहां भाव वही रहेगा, आविर की जगह तिरो उपसर्ग लगा देंगे। गणतंत्र, गणतंत्र दिवस हमने मनाया 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। जब गणतंत्र नहीं था तब क्या था, अगर गणतंत्र का उल्टा पूछा जाए आपसे क्या, तो ये राजतंत्र, ये जनता का शासन, ये राजा का शासन, देखिए कितना आसान है। विनत, विनत का होता है उद्धत। कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य रूप से हम उसका उपयोग बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं, तो ये विनत का हो जाएगा उद्धत। अंत, जैसे किसी चीज का एंड हो गया, अंत, एंड, तो इसका क्या होगा, अनंत, यानी कि जिसका अंत नहीं है, अनंत, ठीक है ना, हिंदी इसका नहीं होता है। ऐसे ही तरुण का, कोई तरुण है तो उसका क्या हो जाएगा, वृद्ध। ऐसे ही अर्जन का, अर्जन माने कोई चीज प्राप्त करना, अर्जित करना, रखना उसको अपने पास, और व्ययन माने खर्च कर देना, व्यय करना, तो देखिए अर्जन का व्ययन हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है एक दे दे खर्चीला, एक दे दे है ना कंजूस, या कृपण देगा, कृपण कंजूस सब सही नहीं है, एक ये दे देगा, तो ऐसे आपको व्ययन करना है। मैंने आपको बताया था ना, संज्ञा का संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, ऐसे ही विशेषण का विशेषण होगा, क्रिया का क्रिया होगा, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होगा, इसी तरह से। प्रछन्न, प्रछन्न का होता है प्रतिपन्न, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रभावी, प्रभावी का क्या होता है, निष्प्रभावी, यहां पे आप निस लगा देंगे उपसर्ग तो हो जाएगा निष्प्रभावी,
ऐसे ही बहिरंग, बहिरंग का अंतरंग, रंग वही रहेगा, मैंने आपसे बताया था ना, तो यहाँ बही की जगह पे ये बाहर की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अंतरंग, अंदर की बात हो जाएगी, ठीक है। संयोग, संयोग तो इसका क्या हो जाएगा, वियोग, वियोग होना, संयोग और वियोग। ऐसे उक्त, उक्त का हो जाएगा अन प्रत्यय यहां पे लगा देंगे, सॉरी उपसर्ग लगा देंगे, अन उपसर्ग लगा देंगे, तो ये अनुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह हम आगे बढ़े तो मौन, यानी कि बिल्कुल जो बोलता नहीं है, शांत रहता है, मौन रहता है, मौन धारण कर लेते हैं लोग ना, कई बार आप कहते नहीं है कि क्यों मौन धारण किए हो, कुछ बोलो, तो मौन का क्या होता है, मुखरता, यानी कि बोलना, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ देखे समझे, आगे हम देखे तो अश्लील, एक शब्द ये विलोम में पूछा गया है कि अश्लील का विलोम क्या होगा, अश्लील का विलोम केवल आपको आ हटा देना है, सलील कर देना है, जहां पर आपको समझ में ऐसे बहुत सारे विलोम ना आए तो ये हटाकर भी आप देख सकते हैं, उपसर्ग जैसे आगे लगा हुआ है, उपसर्ग को आप हटाएंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कुल मिलाकर सारी कोशिशें ये होनी चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम सही करें, दृष्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, एक प्रश्न जैसे ये पूछा गया उदयाचल, उदयाचल, अब इसका विलोम निकालने की मैं थोड़ा पद्धति भी आपको बताता चलू, उदयाचल, ठीक है ना, इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर उदय आप देखिए, ठीक है, जब कोई चीज उदय होगी तो इसका विलोम क्या होगा, अस्त, सूरज जो सूर्य होता है उसका उदय पूर्व से होता है, ठीक है ना, पूर्व से यहां कोई मतलब नहीं लेकिन होता है, और अस्त पश्चिम में होता है, आप सूर्योदय देखते हैं और सूर्यास्त देखते हैं, इसकी बात करते हैं, आप जानते हैं इसको, अगर उदय आपको पता है और इसका विलोम पता है कि अस्त होता है, तो जब उदयाचल है तो इसका हो जाएगा अस्ताचल, ठीक है ना, देखिए कितना आसान है। ऐसे आमिस, आमिस का निरामिस, जरा आमिस का अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होता है, थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी आप लोग करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आमिस का अर्थ क्या होता है, फिर आप जान जाएंगे कि निरामिस क्यों कहा गया, है ना, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसका अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है, कहीं भी आमिस का अर्थ पूछा जा सकता है, तो आमिस निरामिस आपको जानना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं शुद्ध हिंदी में लिखा होगा तो आप खान पान के मामले में अगर सजग हैं तो आपको ये जानना चाहिए, ठीक है ना। अथ, अथ का होता है इति, अथ का मतलब शुरू करना, इति का मतलब समाप्त करना, है ना, अथ का इति। ऐसे ही अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि वृष्टि माने वर्षा होना, है ना, अति का मतलब ज्यादा, अति का मतलब अगर हम देखें तो ये ज्यादा की बात होती है, और अना यानी कि कम, तो जब अतिवृष्टि जैसे बाढ़ की बात आप करते हैं, अनावृष्टि यानी वर्षा ना हो, सूखा की बात करते हैं, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि और अनावृष्टि का अतिवृष्टि आपस में एक दूसरे का विलोम हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं रोपण का विलोम, या आपसे पूछ लिया जाएगा उन्मूलन का विलोम, तो रोपण का विलोम क्या होगा, जैसे आप वन रोपण करते हैं, देखिए शब्द कोई भी दिया हुआ है और उसका वाक्य में प्रयोग आप कर लीजिए, है ना, रोपण जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रोपण का क्या होगा, रोपण का विलोम आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, तो आप इसको लगाइए वनारोपण होता है ना, वनारोपण, फिर पूछा जा रहा है तो वन का वनोन्मूलन भी होता है, वनोन्मूलन होता है, तो वनोन्मूलन और रोपण से आप जान सकते हैं कि रोपण का उन्मूलन होगा, आसानी से आंसर निकल आएगा। यानी कि कोई शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या करिए, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, ये एक विधि, यहां पर डिस्कस करने का केवल यही मतलब है कि आपको विभिन्न विधियां मैं सिखा सकूं कि कैसे कैसे विलोम निकाल सकेंगे आप, और तो सब भरा पड़ा है, अभी एक किताब नाम आपको बता दूंगा जिसमें इतना विलोम दिया है कि किसी भी परीक्षा में उससे बाहर नहीं आएगा, नए शब्द जो भाई बहुत बार बहुत सारी किताबों में नए शब्द आ जाते हैं, नहीं तो लगभग सब पूछा हुआ जो पूछा जाएगा सब उसमें दिया हुआ है, लेकिन तरीके सीखने के लिए ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही मुख्य, कोई भी चीज होती है जैसे उसका मुख्य भाग होता है, यानी कि मुख्य का विलोम क्या होगा, यह हमको अगर निकालना है तो मुख्य अगर कोई चीज होती है तो कुछ चीजें द्वितीयक होती हैं, तो गौड़, गौड़ माने द्वितीय, है ना, गौड़ माने द्वितीय। ऐसे ही खंडन, एक शब्द पूछा जाता है उसका होता है मंडन, है ना, खंडन का विखंडन मत कर दीजिएगा,
या जोड़ घटाओ मत करने लगिएगा कि खंड खंड किया फिर जोड़ जोड़ आपको जोड़ना हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। खंडन का सीधा मंडन आप याद रखिए। बहुत सारी चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, सारी चीजें आप बुद्धि लगा के भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ शब्द हम लोग यूज करते हैं जैसे खंडन मंडन तो आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे शब्द हमारे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं होते हैं, उनका भी विलोम पूछ लिया जाता है या वो प्रश्न पत्र में आते हैं, तो आपको उसको निश्चित तौर पर याद ही करना होगा। धृष्ट, धृष्ट शब्द का विनम्र होता है ना, कोई व्यक्ति कहते हैं धृष्ट है, कोई व्यक्ति कहते हैं विनम्र है, तो एक दूसरे के विपरीत है। जारज का औरस होता है, जारज का क्या होता है, औरस। इसका भी अर्थ आपको बताना है कि जारज माने क्या होता है या औरस माने आप बता दीजिएगा, दोनों में से एक बता दीजिएगा, बस मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि कठिन का ही पूछ रहे हैं, तो सरल तो सबको पता है ना। अवरोह, अवरोह का होता है आरोह, औ हटा के यहां पर आ लगा देना है तो अवरोह का आरोह हो जाएगा, है ना। ऐसे ही निष्ठुर या करुण का पूछा जाएगा तो करुण का हो जाएगा निष्ठुर, करुण का क्या हो जाएगा निष्ठुर, और निष्ठुर का करुण हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के विलोम होते ही हैं। ऐसे ही असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम यानी सीमा सहित, तो असीम का क्या हो जाएगा ससीम, या ससीम का असीम। समझा देता हूं आपको, असीम ये सीमा की बात हो रही है, आ आ मतलब होता है कि ना होना यानी सीमा रहित होना, और सा सा का मतलब होना, सहित यहां पे रहित की बात होती है और यहां पे सहित की बात होती है। अब आप समझ गए कि असीम का ससीम क्यों होता है, कैसे होता है। तो इस तरह से हमने विलोम शब्द, ये कुछ विलोम शब्द थे जो पूछे गए थे। इसके अलावा 2014 का पेपर है, इसमें और भी हम देख लेते हैं। ऐसे आपसे पूछा गया है साहचर्य का विलोम, है ना, इसको भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं जिससे ये 2 साल के पेपर कवर हो जाए। ऐसे आपसे साहचर्य का विलोम पूछा गया है कि साहचर्य का विलोम क्या होगा, तो साहचर्य, तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, लिखूंगा नहीं बस सुन लीजिए। एक विकल्प दिया है वैमनस्य, दूसरा दिया है असहयोग, तीसरा दिया है विनियोग और 4th विकल्प है अलगाव। तो साहचर्य का वैमनस्य होता है, ठीक है ना। ऐसे एक प्रश्न है विराट, विराट का विलोम क्या होता है, ये आपके लिए कार्य है कि विराट का विलोम आप बताएंगे क्या होता है। और ऐसे एक शब्द और मैं दे रहा हूं, ये शायद मैं डिस्कस कर चुका हूं, हाँ ये हो चुका है, रहने दीजिए इसको, दूसरे पेपर से मैं आपको शब्द दे रहा हूं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हो गया है, एक आपको बताना है उपमेय का विलोम क्या होगा, ये 2016 का पेपर है, 16 के पेपर में ये पूछा गया है, अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया है। उपमेय का विलोम क्या होगा इसको आपको बताना है। हाँ, जो भूगोल वाला मैं बता रहा था वो इसका प्रश्न था, उसमें एक इतिहास दिया था, एक अंतरिक्ष विकल्प दिया था, एक ध्रुव गोल दिया था, क्या लिखा था, ध्रुव गोल ऐसे लिख दिया था, 1 मिनट, ध्रुव ये यहां पर रहा, ध्रुव गोल ये एक विकल्प दिया था। अब बताइए ये ऐसे विकल्प दे देता है, भूगोल का ध्रुव गोल, और फिर एक दिया था खगोल, खगोल होगा आप जानते ही हैं। ऐसे आपको एक बताना है निषिद्ध का विलोम, अगर इसका कमेंट नहीं आएगा तो क्लास व्लास फिर आगे मेरा मन नहीं लगेगा पढ़ाने में, अगर आप इसमें कमेंट करके आप लोग सही से बताते हैं तो मैं सोचूंगा आप लोग जागरूक होकर पढ़ रहे हैं। तो निषिद्ध का विलोम भी आपको बताना है। एक दो और दे देता हूं आपको, 1 मिनट, एक दो विलोम और मैं आपको नोट कराऊंगा जो आपको बताना होगा। ऐसे ही आप बताइएगा श्रोता का विलोम क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और एक और आप नोट कर लीजिए, इसको बताइएगा पतन का विलोम क्या होता है, ये नोट कर लीजिए आप, विराट, उपमेय, निषिद्ध, श्रोता, पतन,
ऐसे इसको टाइप कीजिएगा और जिसका जो विलोम है आगे लिख के इसे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ये साथ साथ में टेस्ट हो रहा है, ये समझ रहे हैं आप, जो पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट चल रहा है। तो इस तरह से हमने ये पूरा कर लिया। अब आपको मैं एक किताब का नाम बता रहा हूं जिसको आप ले लीजिए, और वो किताब बढ़िया है, इनफ है, और बहुत सारे टॉपिक उसमें आपको सारे टॉपिक लगभग मिल जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो यहां पर तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। समझाने की जिम्मेदारी आईएएस प्रेप की है, मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है, हम लोग जाके चाहे भी तो मैं तो नहीं दे सकता। किताब का नाम है सामान्य हिंदी करके आती है, सामान्य हिंदी इसका नाम है, और राइटर इसमें इंपॉर्टेंट है पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे। ये किताब ले लीजिए, वैसे किताबें और बहुत सारी हैं लेकिन ये किताब ठीक है, अशुद्धियां कम है, एक आध अगर होंगी भी तो आप सही कर सकते हैं, लगभग नहीं है, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए। अब हम विलोम पर चर्चा छोड़कर आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है ये आप लोग उसमें देख लीजिएगा, सिलेबस जो हमने डिस्कस किया था उसी टॉपिक पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। कई लोग कह रहे थे कि तद्भव तत्सम या विशेष विशेषण को डिस्कस किया जाए, देखेंगे, कोई जरूरी नहीं क्रम से ही पढ़ा जाए, तो जो भी अगला टॉपिक होगा आपको अगले क्लास में मिलेगा। अच्छे से करते रहिए, ये किताब आप ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई और किताब है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत बार लोगों के पास अच्छी किताबें होती हैं तो कोई बाध्यता नहीं है इसको लेना, इसको भी आप ले सकते हैं। लूसेंट की भी आती है, वो किताब आप ले सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, हम मदद के लिए आपके साथ हैं, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। होमवर्क जरूर कीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं ये सोच रहा हूं जितने लोग व्यू कर रहे हैं कम से कम उतने कमेंट तो आने ही चाहिए जिससे कि ये टेस्ट आपका हो जाए। आप अगर आता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो ढूंढ के बताएंगे, कहीं से भी आप सर्च करके बताएंगे तब भी कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ याद ही होता है, किसी को नहीं सब कुछ याद होता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, और हम जल्दी ये सब टॉपिक कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।